इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि दोस्तों अगर आपके पास है कोई सा भी टेक्नो का मोबाइल तो आप अपने टेक्नो मोबाइल फोन में दोस्तों किसी भी ऐप को आप इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं, इससे क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको ऐप लिस्ट में आ जाना है और जिस भी ऐप को डिसेबल या इनेबल करना है आपको उस ऐप पर फिंगर को दबाकर रखना होगा। जैसे देखिए मुझे अपने यूट्यूब ऐप को डिसेबल करना है तो हम यूट्यूब ऐप पर फिंगर को दबाकर रखेंगे। फिंगर को कुछ देर दबाकर रखेंगे तो ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, ऐप इन्फो पर क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डिसेबल का। मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये डिसेबल वाला ऑप्शन आपको हर ऐप में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मेन ऐप्स में ही देखने को मिलता है। तो आपको डिसेबल करने के लिए डिसेबल पर क्लिक करना है, फिर डिसेबल ऐप पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये ऐप डिसेबल हो जाएगा। वापस अगर आप बैक आएंगे तो आपको वो ऐप आपको अपने फोन में देखने को नहीं मिलेगा, वो ऐप आपके फोन से हाइड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे फोन में यूट्यूब ऐप कहीं पर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डिसेबल हो चुका है और डिसेबल हो जाने से ये हमारे फोन से हाइड हो चुका है। इस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर अगर आपको इनेबल करना है तो इनेबल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है और दोस्तों प्ले स्टोर में आकर आपको यहां सर्च ऐप पर क्लिक करना है और आपने जिस ऐप को डिसेबल किया था तो वो ऐप आपको एक बार यहां पर सर्च कर लेना है। जैसे मैंने YouTube ऐप को डिसेबल किया था तो हम YouTube सर्च कर लेंगे तो देखिए YouTube का ऐप आ जाएगा। इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमें इनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा तो हम इनेबल पर क्लिक कर देंगे तो वापस ये ऐप हमारे फोन में इनेबल हो जाएगा और वापस हमारे फोन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं YouTube वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी ऐप को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं टेक्नो के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा।